फ्रेंड्स, दिस इज शेरल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेरल एजुकेट्स। एंड टुडे आई एम गोना टेल यू अ वेरी एडवेंचरस स्टोरी एंड इट्स नेम इज गुलिवर्स ट्रैवल्स। और इस स्टोरी में जायंट्स की बात हम करेंगे और कुछ सेलर्स की बात करेंगे। उसमें से हम ये भी जानेंगे कि एक सेलर कैसे एक जायंट्स के आइलैंड में फंस गया था और वहाँ पे उसने क्या क्या देखा, कैसे कैसे उसका एडवेंचर गया। सो इस स्टोरी में हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज ओन लाइफ In his own words, it is called autobiography. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. मतलब जब कोई बंदा अपनी खुद की लाइफ स्टोरी अपने खुद के वर्ड्स में बताते हैं, अगर कोई बता रहा है तो उसे वो उसकी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। और अगर वो बंदा किसी और की लाइफ स्टोरी बता रहा है तो वो उसकी बायोग्राफी हो जाएगी। जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी खुद की लाइफ स्टोरी लिखी तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी है। और अगर मैंने गांधी जी की लाइफ स्टोरी लिखी तो वो बायोग्राफी है। ओके, गुलिवर अ सेलर वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स। गुलिवर एक सेलर था और एक बार वो फंस गया था जायंट्स के लैंड में। जायंट्स मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब उनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, उनको हम जायंट्स बोलते हैं। तो गुलिवर एक सेलर था और एक दिन वो जायंट्स के लैंड में फंस गया था। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हीज एक्सपीरियंस। और ऐसे ऐसे वो अपना एक्सपीरियंस कैसे डिस्क्राइब करता है, ये बात हम अपना स्टोरी में देखते हैं। ओके, सो काइंड ऑफ ये गुलिवर की ऑटोबायोग्राफी है। ऑन 16th June of 1730 we discovered land. So 16th June को 1730, तो अभी क्या चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है। और ये कब की स्टोरी है, ये है 16th June 1730 की, मतलब ये बहुत 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 सालों पहले की स्टोरी है। तो बहुत सालों पहले मतलब 16th June 1730 को सेलर्स का ग्रुप था और वहाँ पे उन लोगों ने एक लैंड को डिस्कवर किया। अवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर इफ़ एनी कुड बी फाउंड। और हमारे जो कैप्टन थे, सेलर्स का जो कैप्टन था, उसने एक डजन मैन भेजे, मतलब 12-13 लोगों को भेजा विद वेसल्स। वेसल्स मतलब बर्तनों के साथ पानी के लिए, क्योंकि जब वो इतने कई महीनों से वो सी में फंसे हुए थे तो सी का हम वाटर तो पी नहीं सकते, वो तो सॉल्टी रहता है और सी का वाटर हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसलिए जैसे ही उन्होंने लैंड पे वो गए, वैसे ही उसके लीडर कैप्टन ने 12-13 लोगों को भेज दिया कोई थोड़ा फ्रेश पानी लाने के लिए। इफ़ एनी कुड बी फाउंड, अगर कोई पानी मिला तो। When we came to land, we saw no river or spring or no inhabitants. जब हम लैंड पे गए तो हमें कोई नदी भी नहीं दिखी, कोई स्प्रिंग भी नहीं दिखा और कोई इनहैबिटेंट्स भी नहीं दिखा। इनहैबिटेंट्स मतलब उस लैंड के रहने वाले, जो उस लैंड पे रहते हैं उन्हें हम इनहैबिटेंट्स बोलते हैं। I went on to explore, और वो ऐसे इधर उधर थोड़ा देखने गया कि कैसा लैंड है वो। The country was barren and rocky,
और वो जो कंट्री थी वो बैरन थी और रॉकी थी। बैरन क्या होता है, मतलब उसकी जो ज़मीन थी, वो जो लैंड की जो ज़मीन थी वो ऐसी मतलब ऐसा पत्थर पत्थर जैसा था, मतलब इतनी ख़राब हो चुकी थी, मतलब उस पर कोई भी ट्रीज़, कुछ प्लांट्स, कुछ वहाँ पे पानी हो नहीं सकता था और कुछ ग्रो भी नहीं हो सकता था वहाँ पे, क्योंकि कंट्री का जो उस कंट्री का जो सरफेस था, लैंड का जो सरफेस था वो ऐसा था कि एकदम रॉकी, एकदम रफ, मतलब जहाँ पे कोई भी कुछ पेड़ हो नहीं सकते। तो वो जो कंट्री थी उसका सरफेस बैरन था और रॉकी था। आई टर्न्ड बैक टू जॉइन द क्रू, और मैं जैसे ही मुड़ा, मैं इधर उधर देखने गया था एक सेलर, और जैसे ही सेलर मुड़ा अपने वापस टू जॉइन द क्रू, मतलब अपने ग्रुप, उसकी जो टीम थी उसमें वापस जाने के लिए, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship। और वो लोग एक ship से आए हुए थे, एक ship थी बड़ी सी, उसको कहीं पे उन्होंने रोक कर और फिर वो boat से थोड़ा देर, थोड़ा सा distance उन्होंने land तक boat से cover किया था। तो उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि उसकी जो टीम थी वो जल्दी से बोट पे बैठ के और नाव जल्दी जल्दी चला रही थी जान बचाने के लिए अपनी। अब जान बचाने के लिए ऐसे क्या हो गया था देखते हैं। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। और इससे पहले कि मैं भी बोट पे चढ़ा, मैंने देखा कि एक बड़ा सा क्रिएचर, मतलब एक बड़ा सा कुछ जानवर जैसा, एक बड़ा सा कुछ क्रिएचर था, वो चेस कर रहा था, मतलब वो उनके पीछे भाग रहा था, मेरी टीम के पीछे भाग रहा था जितनी तेज वो भाग सकता था। The water of the ocean reached only till his knees, और जो उस समुद्र का जो पानी है वो बस उसके नीज तक ही पहुँच पा रहा था। सो जो जहाँ जिस समुद्र के पानी में अगर हम जाके डूब जाते हैं, वो समुद्र का पानी बस उस जायंट की नीज तक ही सोच आ रहा था। तो सो इमेजिन करो कि वो जायंट कितना बड़ा होगा। हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, और मतलब जैसे भी करके जो वो लोग हमारे सेलर्स जितनी तेज़ी से बोट चला रहे थे तो मॉन्स्टर उसको पकड़ नहीं पा रहा था। इसमें मॉन्स्टर उसको इसलिए बोला है क्योंकि इसमें मॉन्स्टर मतलब जायंट है, पर इसे मॉन्स्टर क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि वो इतना बड़ा था मतलब कि वो एक मॉन्स्टर ही था। मेरे ख्याल से वो एक ह्यूमन था, पर वो ह्यूमन नहीं था क्योंकि वो ह्यूमन से फार फार अवे, बहुत टाइम्स ह्यूमन से वो बहुत बड़ा था। आई टर्न्ड बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विद फील्ड्स ऑफ बार्ली, और मैं वापस पीछे मुड़ा और मैंने एक स्टीप हिल, मतलब मैंने एक छोटा सा हिल को क्लाइम किया। अब अगर मॉन्स्टर इतना बड़ा है और उसका लैंड में भी सब कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि मॉन्स्टर अगर वो बड़ा है, अगर जायंट बड़ा है तो उसका लैंड भी तो उसी के साइज़ के हिसाब से होगा। तो पता नहीं वो हिल था या कुछ छोटा सा, थोड़ी सी मिट्टी वहाँ पर थी, बट वो एक हिल की शेप में थी और मेरे ख्याल से वो सेलर के लिए खिली था। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल, मैं जल्दी से मुड़ा और मैंने एक छोटा सा हिल के ऊपर चढ़ गया, विद फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन ईच साइड, जिसमें फील्ड थे बार्ली। बार्ली एक सीरियल होता है, एक हार्ड सा सीरियल। ऑन द ईदर साइड एंड फील्ड्स था और फील्ड्स में बार्ली था। बार्ली एक सीरियल होता है, कुछ ग्रेन जैसे ही होता है, हार्ड सा। ऑन द ईदर साइड एंड द कॉर्न
वॉज राइजिंग अप टू 40 feet, और एक साइड में तो बार्ली था और दूसरी साइड में कॉर्न था, और कॉर्न हमारा कॉर्न तो इतना सही होता है, पर वो जो जाइंट्स का कॉर्न था वो 40 feet बड़ा था। सोचो ग्राउंड से 40 feet खाली एक कॉर्न, और हमारा कॉर्न कितना होता है, बस इतना सा। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू दी अदर, और एक फेंस थी ताकि पास करने के लिए फील्ड, एक से दूसरे फील्ड में, दो फील्ड थे ना, एक फील्ड तो बार्ली का था और एक फील्ड कॉर्न का था, तो फेंसेस लगी हुई थी ताकि हम बार्ली के फील्ड से कॉर्न के फील्ड में जा सके, मतलब वी कैन मूव टू द फील्ड्स, उसके लिए फेंस भी लगी हुई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब एवरी स्टेप बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई, और मेरे लिए क्लाइंब करना तो बहुत मुश्किल बात थी, क्यों वहाँ पे कुछ ऐसा स्टेयर केस था और वहाँ पे ना ऐसा कोई वहाँ पे कोई It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. और मेरा क्लाइंब करना वहाँ पे बहुत मुश्किल था, क्यों, क्योंकि वो एक सीढ़ी चढ़ रहा था और सीढ़ी का हर एक स्टेप जो था वो उसके लिए 6 feet high था, ओके 6 feet high था एक एवरी स्टेप, एक सीढ़ी का एवरी स्टेप। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. और जब मैं कुछ कहीं पे जैसे वहाँ पे फील्ड था ना, तो फील्ड में मैं सोचा था जो छोटे छोटे प्लांट से हम थोड़ा कुछ ऐसे डिवाइड करते हैं ना कोई फील्ड का पार्ट, तो वो सोचा था कि वो नीचे अंदर से जा रहा था, छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर से वो जा रहा था, और देख सोचा था कि कहीं पे मैं छुप सकूँ क्या इन छोटे छोटे प्लांट्स में, ताकि मतलब यहाँ का कोई रहने वाला, मतलब यहाँ का कोई इनहैबिटेंट मुझे ढूंढ ना ले। और जैसे जब मैं ये काम कर रहा था, जब मैंने देखा कि वहाँ का एक इनहैबिटेंट, मतलब वहाँ का एक जाइंट आ गया नेक्स्ट फील्ड में, ठीक है, जैसे वो एक फील्ड में था, अगर इमेजिन करो जैसे वो कॉर्न के फील्ड में है, तो नेक्स्ट बार्ली के फील्ड में एक वहाँ का जाइंट था वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, और वो फेंस की तरफ बढ़ रहा था। He was of the same size as the creature chasing the boat. और वो जो giant था वो भी उतना ही बड़ा था जितना बड़ा वो giant था जो boat को chase कर रहा था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. और मुझे बहुत ही डर लगा उसे देख के, मतलब इतना बड़ा, सोचो ओशन में, ओशन जब उसके नीज तक ही आ रहा था, तो सोचो कि हम नॉर्मल लोगों के लिए वो कितना बड़ा होगा, और डर नहीं लगेगा हमें उसे देख के, कोई इतना बड़ा जायंट है और इतने बड़े बड़े कॉर्न्स है तो हमें डर नहीं लगेगा। तो जो सेलर था वो बहुत ही डर गया था और सरप्राइज भी हो गया था कि आखिर इतनी लंबी हाइट किसकी हो भी कैसे सकती है, तो वो भागा छुपने के लिए। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, और उसकी जो आवाज़ थी एक ट्रम्पेट होता है ना, उससे भी जोर, उससे भी तेज़ आवाज़ थी। इट साउंडेड लाइक थंडर, और उसकी जो आवाज़ थी वह मतलब इतनी ज़्यादा, जैसे थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, तो कितनी उसकी कितनी तेज़ साउंड रहती है ना, और उस जायंट की साउंड भी थंडर, लाइटनिंग और ट्रम्पेट से बहुत ही ज़्यादा साउंड थी उसकी। 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टुवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न, और उसी के जैसे 7 और लोग आए फील्ड के तरफ कॉर्न को काटने के लिए, कॉर्न को सारा काट के लेने के लिए, और कॉर्न को
कोई उनके हमारे पास तो कोई एक छोटा सा टूल होता है, इतना बड़ा ऑलमोस्ट वो कोई टूल होता है, और उससे हम ऐसे से उसका थोड़ा सा शार्प सा ब्लेड होता है और उससे हम कॉर्न को कट करते हैं। तो सोचो कि वो इतने ओशन के लिए भी, वो ओशन उनके लिए काइंड ऑफ लेक है, तो आप सोचो कि उनका जो टूल होगा वो कितना बड़ा होगा। दे कैरीड अ रीपिंग हुक, और उन्होंने एक रीपिंग हुक पकड़ा हुआ था, मतलब जो कॉर्न को काटने के लिए उन्होंने एक रीपिंग हुक पकड़ा हुआ था, विच वॉज वेरी बिग। और अगर इतने देखो, आप देखो, आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें एक पिक्चर है, इसमें भी आप देखो कि कितना बड़ा जायंट है, और कंपेयर टू द ह्यूमन कितना बड़ा है जायंट। तो आप देखो, when one of the reapers approached where I lay hidden, जबकि एक रीपर आ गया, मतलब एक वो रीपिंग हुक लेके, और एक जायंट आ गया जहाँ पे मैं छुपा हुआ था। I screamed as loud as I could, और मैं इतना तेज़ चिल्लाया जितना तेज़ मैं चिल्ला सकता था। The creature stopped reaping, और वो जो creature था, वो जो giant था, उसने कॉर्न काटना रोक दिया। Me and picked me up between his thumb and forefinger, और उसने उसको ऐसे पकड़ के उठा लिया giant ने। And brought me close to his eyes, और उसने मुझे अपने आइज के पास ले, वो अपने मुझे अपने आइज के पास ले आया। 60 feet above the ground, और उसकी जो हाइट थी कितनी थी, 60 feet हाइट थी उसकी। तो सोचो कि वो ऐसी हवा में ऐसे वो 60 feet की ऊंचाई पे लटक रहा होगा। He looked at me with curiosity, और वो जो जायंट था उसने इतना क्यूरियस हो कि, मतलब इतना सोच के, ये है कौन, ये इतना छोटा सा क्रिएचर कौन है, और ऐसे करके उसने क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ देखा, सेलर की तरफ। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, और जायंट ने मेरे हेयर ऐसे ब्लो करके मेरे हेयर को थोड़ा साइड किया ताकि वो मेरे फेस का थोड़ा अच्छे से व्यू ले पाए। He called his friends and gently placed me on the table. और वो जो था, वो एक जायंट था, और उसने उसके बाकी जो 6 friends थे उसको भी बुलाया, वो सब लोग एक टेबल पे बैठ गए ताकि वो मुझे ठीक से देख सके। I walked slowly backward and forward, और मैं चला धीरे धीरे आगे और पीछे, and then pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. और मैं मतलब मुझे पता ही नहीं था, सेलर को तो पता ही नहीं था कि क्या करना है, तो वो थोड़ा सा आगे गया, फिर वो वापस थोड़ा पीछे गया, और फिर उसने हैट पहनी हुई थी, तो उसने हैट को ऐसे लो बो किया फार्मर्स के लिए। I tried to speak to them loudly in several languages, और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की बहुत सारी लैंग्वेजेस में, मतलब जैसे कोई सेलर्स को ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो वो जो सेलर था उसे भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, तो उसने भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से फार्मर्स के साथ बात करने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो, द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड मी वेरी क्लोज टू मी, हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी, बट इन वेन, मतलब जब भी मैं कुछ बोलता था ज़ोर से, जब तभी जिस फार्मर ने मुझे पकड़ा था ना, वो फार्मर अपना ईयर मेरे बहुत पास ले आता है मुझे सुनने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा फार्मर और इतना छोटा सा, मतलब एक एंट का कंपैरिजन हो गया, तो उसके लिए तो वो उसको सुन ही नहीं पा रहा था। हम सुन थोड़ी सकते हैं, अगर कोई इतना छोटा है तो हम भी नहीं सुन सकते। द फार्मर took me to his house and placed me at some distance on the dining table.
विच वॉज 30 feet फ्रॉम हाई फ्रॉम द फ्लोर। और जो फार्मर था उसने वो मुझे अपने घर ले गया और कुछ और थोड़ी देर में उसका घर आ गया और उसने मुझे डाइनिंग टेबल पे रखा। अब डाइनिंग टेबल कितनी थी, कितनी बड़ी थी, 30 feet बड़ी थी उसकी जो हाइट थी डाइनिंग टेबल की वो 30 feet थी। इमेजिन करो कितनी बड़ी डाइनिंग टेबल थी। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर। और डिनर जब फार्मर का डिनर आया तो फार्मर की जो प्लेट थी वो कितनी बड़ी थी, 8 feet थी डायमीटर में, 8 feet थी बड़ी बड़ी थी। हिज द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। और जो फार्मर की जो वाइफ थी उसने थोड़ी सी ब्रेड को क्रम्बल किया, मतलब थोड़ी सी ब्रेड ली उसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेज में, बहुत छोटे छोटे पीसेज में क्रम्बल किया और फार्मर के आगे रख दिया सेलर के आगे रख दिया ताकि वो उसे खा सके। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। और जब मैं डिनर खा रहा था तो उसके बीच में मैंने कुछ आवाज़ सुनी। इट वॉज द पर्रिंग ऑफ द कैट विच वॉज दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। तो एक कैट थी मेरे पीछे, एक कैट थी और वो जो कैट कैट कितनी बड़ी थी, हमारे यहाँ पे जो नॉर्मली ऑक्स होता है मतलब बफेलो काउ ऑलमोस्ट होता है, तो उसके 10 times बड़ी उन लोगों की कैट थी। सोचो कितनी बड़ी होगी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। और जो फार्मर की जो वाइफ थी वो कैट को स्ट्रोक करती थी, मतलब वो कैट को ऐसे ऐसे सहला रही थी, कैट को प्यार कर रही थी। देन एंटर्ड द फार्मर्स वन ओल्ड ईयर सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। और फिर आया फार्मर का 1 साल का बच्चा और वो एक लेडी के हाथों में। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ। और वो तो बच्चा था, वो तो चाइल्ड था 1 year old का, और जैसे ही उसने मुझे देखा उसने मुझे ऐसा कुछ टॉय समझा और उसने मुझे उठा लिया टेबल से और मेरा सर उसने अपने माउथ में डालने का ट्राई किया। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि बेबी ने मुझे गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हैड हर एप्रन अंडर मी। और मेरी तो गर्दन ऐसे टूट ही जाती अगर वो जो लेडी थी जिसने वो बेबी को पकड़ रखा था, अगर उसने अपना एप्रन क्या होता है, एक काइंड ऑफ पीस ऑफ क्लोथ होता है जो हम कुकिंग के टाइम ऐसे ऐसे करके अराउंड बांध लेते हैं ताकि हमारी ड्रेस गंदी ना हुए या हमारी ड्रेस पे कुछ गिर ना जाए। तो उस लेडी ने क्या किया, जैसे ही बेबी ने उसे गिराया उसने ऐसे पकड़ के अपना एप्रन ऐसे पकड़ लिया ताकि मुझे चोट ना लगे, और मुझे चोट नहीं लगी। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. और बाद में उसने मुझे खुद के बेड में रख दिया, मतलब खुद के बेड में मुझे लेटा दिया और मुझे मतलब एक क्लीन वाइट हैंकरचीफ से कवर कर दिया, मतलब एक वाइट उनका जैंट का हैंकरचीफ ऑलमोस्ट उस सेलर का वो था, चादर थी वो सेलर के लिए। I slept dreaming of my home, my wife and my children. और मैं सो गया और मैं यही सपने देख रहा था, मेरी घर की, मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों की, सबकी याद आ रही थी। और अब देखो यहाँ पे ये जो चाइल्ड है ये इसको फार्मर को ऐसे अपने माउथ में डालने के लिए ट्राई कर रहा है। और आप देखो ये कैट है और ये कुछ पीसेस हैं ब्रेड के जो फार्मर की वाइफ ने क्रम्बल किए थे उसके लिए।
एंड दिस स्टोरी इज अडाप्टेड फ्रॉम जॉना स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल्स। और ये जो स्टोरी है अडाप्ट की गई है जॉना स्विफ्ट ने। दिस स्टोरी इज रिटन बाय जॉना स्विफ्ट। सो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।